नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में जो है शिक्षण संस्थान जो है बंद रहने वाले हैं। तो काफ़ी कमेंट्स जो थे वो टीचर्स के भी मुझे आए थे कि सर, हिमाचल में जो है जब शिक्षण संस्थान जो है बंद रहेंगे तो स्कूल में टीचर आएंगे या नहीं। तो उसको लेकर आज 3 अप्रैल 2021 को जो है बड़ी अपडेट जो है आई है। मुख्यमंत्री ने जो है बड़ी घोषणा की है। तो क्या जो है घोषणा की है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन स्कूल आ सकता है, क्या जो है प्रोसेस रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, हिमाचल विद्यार्थियों के लिए 15 अप्रैल तक जो है बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, स्कूल आएंगे शिक्षक। तो शिक्षक जो है स्कूल में आएंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ रहे कोविड-19 मरीजों को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थान जो है 15 अप्रैल तक जो है विद्यार्थियों के लिए जो है बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षक और गैर शिक्षक जो है 5 अप्रैल से जो है नियमित रूप से जो है स्कूल आएंगे। तो शिक्षक और गैर शिक्षक जो है 5 अप्रैल से जो है कंटिन्यू स्कूल में आएंगे। तो पहले से तय बोर्ड व अन्य परीक्षाओं वाले विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति पत्र पर जो है पढ़ाई को लेकर अपने संदेह दूर करने के लिए जो है स्कूल आकर शिक्षकों से जो है परामर्श जो है ले सकेंगे। आगे बताया है कि वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान, नर्सिंग, मेडिकल व डेंटल कॉलेज खुले रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों में कोविड नियमों की 19 नियमों की का जो है सख्ती से पालन करना होगा। बोर्ड व अन्य परीक्षा केंद्रों का जो है उचित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से शनिवार सुबह आदेश जो है जारी कर दिए हैं। आवासीय सुविधाओं वाले स्कूलों, संस्थानों व अपने छात्रावासों को बंद करने की जो है आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन्हें कोविड-19 नियमों का सख्ती से जो है पालन सुनिश्चित करना होगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन जो है 300 से ज़्यादा मामले जो है सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए शैक्षणिक संस्थान जो है बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,420 के पार हो गया है, और सक्रिय मामले अब जो है 3,338 जो है फिर से हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं। वहीं अब तक 60,023 से अधिक संक्रमित जो हैं ठीक हो चुके हैं, और 1,443 की जो है मौत हुई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो है बंद रहेंगे। स्कूल में जो है शिक्षक और गैर शिक्षक जो है 5 अप्रैल से जो है कंटिन्यू स्कूल आएंगे। वहीं जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले जो कोचिंग संस्थान हैं, नर्सिंग, मेडिकल व डेंटल कॉलेज जो हैं वो खुले रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी अभी की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।